लेके आ गई हूँ नायका का पिटारा, जिसमें आपको 100 रुपए के अंदर पूरे फेस का मेकअप होने वाला है, सारे प्रोडक्ट होंगे सिर्फ 100 रुपीज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड 100 रुपीज भी ज्यादा है कुछ प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि वो अंडर 100 रुपीज है ना। चलो चलो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। एंड एक और बात, सस्ता सोच के बेकार नहीं समझना बाबू, बिकॉज ये सस्ते जरूर है, मत झकास बिंदास। Hi guys, welcome and welcome back to my channel, this side Seetal। तो आप लोगों को thumbnail से एंड आप लोगों को पता ही लग गया होगा कि आज हम करने वाले हैं नायका हॉल। एंड जितने भी प्रोडक्ट होंगे इसके अंदर वो सिर्फ 100 रुपए के होंगे, 100 रुपीज के। एंड वैसे वाले प्रोडक्ट होंगे जिसको आप फ्यूचर में यूज कर सकते हो, अच्छी क्वालिटी के होंगे बेसिकली, जैसे आप फ्यूचर में यूज कर सकते हो वो वाले प्रोडक्ट होंगे। सो सच बताऊं तो मेरे को ना स्टार्टिंग में लगा था, लाइक मैंने भी इससे पहले स्विस ब्यूटी फिटमी यही यूज करती थी। ये भी है ना, बहुत लोग बोलते हैं अफोर्डेबल प्राइस में, लेकिन फिटमी का फाउंडेशन 600 रुपए का है, कहाँ से अफोर्डेबल है, हर एक कोई नहीं अफोर्ड कर पाता, इसलिए है ना। तो मैंने अब जो मंगाया है 100 रुपए का प्रोडक्ट मंगाया है, एंड मैं आप लोगों को इसकी क्वालिटी भी टेस्ट करके बताती रहूंगी कैसा है कैसा नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को पता लग जाएगा कि ये 100 रुपए वाले प्रोडक्ट वर्थ इट है कि नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो जैसे मैंने पूरा रिव्यू एंड देखा था उसके अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट काफी अच्छी क्वालिटी के है, लेट्स सी कैसा होता है। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई हैव टू थैंक प्रीति फॉर कमेंटिंग ऑन माई वीडियो। एंड प्रीति ने ही बोला था कि यार 100 रुपीज के अंडर वाले मेकअप को ट्राई करो, तो लेट्स डू दिस। एंड इसके अलावा आप लोग भी कॉमेंट कर सकते हो अपना फेवरेट टॉपिक, या आप लोग कुछ चाहते हो उस टॉपिक पर मैं वीडियो बना दूं आप लोगों के लिए, तो वो कमेंट कर सकते हो। एंड इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल, हाय आई एम शीतल, आई मेक अ वीडियो ऑन फैशन ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल, आई होप आप लोगों को मजा आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स स्टार्ट इट। तो आप लोगों ने ऑलरेडी देखा कि मैंने ना सारा सामान नायका वाले इस वाले बॉक्स से निकाल दिया है। एंड लिपस्टिक मैंने इसमें से सब कुछ निकाल के अपने सामने डाल लिया। एंड गाइस सबसे पहले मैं यूज कर रही हूँ ये ट्यूलिप के वेट वाइप, और ये अल्कोहल फ्री है, तो जितना भी डर्ट वगैरह था फेस पे वो हटाने के लिए सबसे सही चीज है, तो ये बहुत सही लगते हैं। एंड आई रियली लाइक इट। ये मेरा ना फर्स्ट टाइम है ऐसी 100 रुपीज वाली जो वीडियो नहीं होती है मेकअप सारा 100 रुपीज में, वैसी वाली वीडियो बनाने का, बिकॉज इससे पहले वाले चैनल पर भी मैंने नहीं बनाई थी, मैंने सोचा था मैं बनाऊंगी, लेकिन इस बार ना मेरे पे कमेंट ही आ गया, दैट्स व्हाई आई एम थिंकिंग कि चल यार बना ही लेती हूँ। एंड आप लोग भी कमेंट कर सकते हो, लाइक आप लोगों को कुछ भी देखना है कहीं से भी, नायका मीशो फ्लिपकार्ट वगैरह से, तो मैं मेक श्योर करूंगी कि मैं वो बना दूं, क्योंकि अभी तो ये न्यू चैनल है, लाइक जो पुराना वाला चैनल था उस पर तो ये होता था कि एक कॉमेंट खत्म नहीं हो रहा उससे पहले ही दूसरा आ जा रहा है, तो बहुत सारे कमेंट हो जाते थे क्योंकि वो ऑलरेडी ग्रो हो चुका था। एंड ये एकदम नया चैनल है इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो फेस मेरा एकदम क्लीन हो चुका है, आप लोग देख रहे हो एकदम सब कुछ दिख रहा है, फेस क्लीन हो गया है। अब हम जो करेंगे प्राइमर लगाएंगे, प्राइम एंड परफेक्ट हाइड्रेट प्राइमर है आप लोग देखिए, एंड रियली क्यूट और छोटू सा है ये, शायद 99 रुपीज का मिला था जो मैंने नायका से सामान मंगाया था, जितना भी वो सेल पे मंगाया था, एंड मेरे को सही पड़ गया, लाइक मोस्टली क्या सभी 100 के अंडर है, लेकिन एक या दो प्रोडक्ट को छोड़ के वो मैं बता दूंगी, बाकी जितना भी आप लोग देखोगे ना वो सारा 100 रुपीज के अंदर ही है। तो ये है प्राइमर, एंड ये बहुत ज्यादा छोटू सा है और ये हाइड्रेटिंग वाला है जो कि मुझे बहुत मस्त लगता है, लुक एट दिस, एकदम अच्छा है यार, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत सही है, मेरे को ना बहुत ज्यादा सही लगा, एकदम छोटू सा अच्छा सा प्राइमर है। लाइक मैंने देखा था 100 रुपीज में ना और कोई प्राइमर आ ही नहीं रहा था सिवाय इसके, तो ये मिनी वाला मिला है 100 रुपीज में इनसाइड कॉस्मेटिक का, और मुझे बेस्ट पार्ट यही लगती है इनसाइड कॉस्मेटिक में ना आप लोग देखोगे सारे मोस्टली प्रोडक्ट जो होंगे अफोर्डेबल प्राइस में होंगे ना अच्छे होते हैं, उनका काम भी ऐसा नहीं बेकार सा है, अच्छा काम होता है उनका, वर्क भी अच्छा होता है, तो लुक एट द ग्लो देखो। तो अब मैं अपनी आईब्रोज फिल करूंगी देन बेस करूंगी। तो आईब्रोज के लिए मैं यूज कर रही हूँ ब्लू हेवन का ये वाला ब्राउन वाला आई ब्रो पेंसिल, एंड दिस इज रियली नाइस। ये मैंने ना ब्लू हेवन के लाइक आईब्रो काजल आईलाइनर एंड मस्कारा ये चार प्रोडक्ट लिए थे 380 समथिंग में, लाइक ये अंडर 100 रुपीज तो देखा जाए पर प्रोडक्ट पड़ गया है, तो
मुझे ना काफी सही डील लगी। आप ना कॉम्बो ले लेना, ऐसे ब्लू हेवन का आता है, डिफरेंट डिफरेंट आते हैं, वहां पे डालना होता है नायका पे आईब्रो आईलाइनर कॉम्बो, तो 4-5 कॉम्बो दिखा देगा और सबसे कम का यही वाला था ब्लू हेवन का, तो आप लोग भी ले सकते हो, काफी सही है। एंड लुक एट दिस, इसका ना आईब्रो का जो लगाने वाला होता है ना, ये इस वे में है, तो काफी अच्छे से फिल हो जाती है। आप लोग देखो अभी बिफोर कुछ नहीं लग रहा ना, अभी मैं कर लूंगी ना बहुत सही लगेगा, एकदम नेचुरल आएंगी। और ये ब्राउन कलर में भी है, डन 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 लग रही है ना एकदम नेचुरल। ये भी कर लेते हैं जल्दी। तो आईब्रोज इज डन गाइज, लुक एट माई आईब्रोज, कितनी ज्यादा नेचुरल एंड अच्छी लग रही है, आई लव इट। सो चलते हम बेस मेकअप पे। बेस मेकअप के लिए चाहिए हमें फाउंडेशन एंड हेयर इट इज। सो फाउंडेशन इन लोगों ने ना सारी चीज को बबल रैप में, नहीं तो फिर ये जो होता है ना पेपर रैप में, इसमें क्रैक करके दिया है। सो तो हम खोल लेते हैं बबल से, ये रहा। तो फाउंडेशन मैंने लिया है इलाइट का, इलाइट 18 लास्टिंग ग्लो फाउंडेशन। तो इसके नीचे लाइक ये भी मुझे 99 कुछ का पड़ा है, मैं यहाँ पे ना प्राइसिंग लिख दूंगी क्योंकि इसमें से मेरे समझ भी नहीं आ रहा कैसे कौन सा क्या वाला है, तो एक एक करके बहुत ज्यादा देखना पड़ेगा इस वजह से तब मिलेगा। तो आप लोग मैं इस पे लिख दूंगी स्क्रीन पे, आप लोग चेकआउट कर लेना। ये इलाइट का फाउंडेशन है एंड ये फाउंडेशन ना सबसे कम प्राइस का था, इस वजह से मैंने ये वाला लिया है, क्योंकि 100 रुपीज का अगर पूरे प्रोडक्ट ले रहे हो तो यार 100 के ही होने चाहिए, इस वजह से मेनली यही थिंकिंग थी। तो ये सबसे कम का है और मुझे लग रहा है ये मेरी ना स्किन टोन से लाइट ना हो बस। ओके, स्मेल गुड, जैसे पॉन्ड्स में नहीं आती वो जो पुरानी वाली जो पॉन्ड्स की क्रीम थी ना, वैसी वाली अच्छी वाली स्मेल आ रही, स्मेलिंग फ्रेग्रेंस आ रही है यार। सो मुझे ना ऐसे डालने वाले ना ज्यादा सही नहीं लगते मुझे, मतलब कोई भी फाउंडेशन मुझे पंप वाला ठीक लगता है, एक पंप ले लो दो पंप ले लो तो आदत हो जाती है, ऐसे वाले में तो पता ही नहीं चल रहा, लेकिन आराम से जा सकता है, ये चीज अच्छा है। एंड मेरे को लग रहा है ये मेरे स्किन टोन का ही है, हल्का सा लाइट होगा, बट हमारे पास कंसीलर से या कॉन्टोर से वो मैं कर लूंगी। एंड हाँ हल्का लाइट है मेरे स्किन टोन से, थोड़ा सा ही लाइट है, ज्यादा लाइट नहीं है, तो ओके ओके है, ठीक है चल जाएगा। अब देखते हैं कैसा निकलेगा ये ब्लैंड, मेरे को ये है ना मतलब ठीक लग रहा है, मेरे को तो ठीक लग रहा है, अगर 100 रुपए का प्रोडक्ट अच्छा निकलेगा तो मैं यही लिया करूंगी। तो अब मैं इसे ब्लैंड कर लेती हूँ जल्दी से, एंड ब्लैंड इन, ओके नाइस, इट्स रियली नाइस गाइस। देखो कवरेज है, मतलब फुल कवरेज तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फिटमी की जो फाउंडेशन की कवरेज होती है सीयर कवरेज वैसी है। सो इट्स थम्स अप, 100 रुपीज के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा सही है, आप लोग ट्राई कर सकते हो। एंड अगर आप मेरी स्किन टोन की हो तो आप ये इलाइट 18 लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन, इसमें लिख नहीं रहा ये कौन सा वाला है, सो वाइट मिनी, मैं ना उसमें से डाल दूंगी जो मेरे होगा ना बिल, उसमें लिखा रहेगा ना कौन सा है वाला। इसमें 2-3 थे वनीला ऐसे करके कुछ था शेड वगैरह, जो शेड का नाम होगा मैं डाल दूंगी आप लोगों के लिए। तो फाउंडेशन अप्लाई हो गया एंड यू गाइस लुक दिस, इट्स अ बिग थम्स अप फॉर मी। लाइक मेरे को ना फाउंडेशन से बहुत ज्यादा कम एक्सपेक्टेशन थी, कि जो हम लेते हैं लाइक मैं जो मोस्टली यूज करती हूँ फिटमी का फाउंडेशन यूज करती हूँ, और उसकी जो कंसिस्टेंसी बोलो कवरेज बोल दो सेम इसी टाइप का है, एंड ये मैट फॉर्म में और ये भी मैट फॉर्म में, तो आई लव दिस एंड इट्स अ बिग थम्स अप फॉर मी। 99 रुपए का है, वो 600 समथिंग का आता है, तो बहुत प्राइस में डिफरेंस है एंड बहुत अमेजिंग है यार, कुछ भी बोलो इट्स अमेजिंग। तो अब अंडर आई कंसीलर कर लेते हैं, एंड मेरे को जरूरत तो नहीं लग रही फिर भी कर लेते हैं। तो ये मैंने इनसाइड का कंसीलर मंगाया और मुझे लग रहा है ये काफी डार्क है, यहाँ से तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है, देखते हैं। और ये काफी छोटू सा प्यारा सा है और ये भी 99 कुछ का ही है, मतलब कम का ही होगा, 100 रुपए से ज्यादा का नहीं है। और इसका नाम है NC2 बेज, सो वाओ इट्स लुक प्रिटी, लुक एट दिस, सो माय गॉड सो क्यूट, आई लव इट। मेरे को ना ऐसे जब प्लेन होता है ना ये पूरा देख रहे हो ना, ऐसे खराब करने का मन नहीं करता, बट ये ना कंसीलर ना थोड़ा सा डार्क है, लाइक थोड़ा सा डार्क है, तो मैं इसे अंडर आई नहीं लगाऊंगी, इसे एज अ कॉन्टोर यूज करेंगे बाद में, तो
स्किप करते हैं कंसीलर को। नाउ आई एम अप्लाइंग ब्लश। ये इनसाइड कॉस्मेटिक का ब्लशर है एंड रियली छोटू सा प्यारा सा मिनी सा, और ये भी 99 कुछ का है। सारे प्रोडक्ट मैंने अंडर 100 ही लिए हैं, और इसका कलर, ओह माय गॉड, इट्स सो ब्यूटीफुल, लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल, रियली बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। इसका नाम बता देती हूँ, 05 स्ट्रॉबेरी ड्रिप, एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल गाइज, लुक एट दिस, वाओ। मेरे को ना मन नहीं करता यार इतने अच्छे प्रोडक्ट को बेकार करने का। चलो कोई बात नहीं, हल्का सा लेते हैं। नाइस पिगमेंटेशन, लिटिल बिट ऑरेंज, रेड ऑरेंज जो भी है हल्का सा है। हल्के से नोज पे लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे हल्का हल्का। तो क्रीम ब्लश मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मस्त है, क्योंकि मैं है ना ब्लश की जगह पे लिपस्टिक भी लगाती हूँ जो क्रीम फॉर्मेट में होती है। तो या मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। मेरे को लग रहा है मैंने ज़्यादा लगा लिया, लेकिन हम ब्लेंड भी तो करेंगे। हल्का सा आईज पे भी लगा लेते हैं, क्योंकि आई के लिए मैंने कुछ नहीं लिया है, कुछ नहीं लिया मतलब आई शैडो वगैरह नहीं लिया, तो आई पे भी लगा लेते हैं। तो मैं अभी बंदर टाइप तो बन गई हूँ, जल्दी से इसे ब्लेंड कर लेते हैं। एंड मैं बताऊँ, इसका ना बहुत सही है यार, मेरे को बहुत सही लग रहा है ये ब्लश, लुक एट दिस, देख रहे हो, एकदम से अच्छा से इफेक्ट आ जा रहा है। तो आई रियली लाइक दिस, और मुझे मैंने इधर सच में ज़्यादा लगा लिया है, लेकिन ब्लाइंड करते जाते भाई सब क्या सही है यार, आप लोग पक्का लेना यार, ये बहुत सही चीज़ है। सो गाइस ब्लश ना अप्लाई हो गया है, लुक एट माय ब्लश एंड आई शेडो, सब कुछ बहुत ज़्यादा नेचुरल नेचुरल कलर नहीं लगता है, एकदम अच्छा सा वैसा लग रहा है। सो आई लव दिस फॉर दिस प्रोडक्ट, मतलब इतना छोटा सा प्यारा सा क्यूट प्रोडक्ट का इट्स अ रियली बिग थम्स अप, और 99 रुपीज़ का है। आप थोड़ा थोड़ा ही लगाओगे जैसे मैंने लगाया है, मैं पक्का कह रही हूँ ये कम से कम 4-5 महीने आराम से चल जाएगा। अगर आप कंटेंट क्रिएटर नहीं हो तो 6-7 महीने चल जाएगा पक्का। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी आईलाइनर, और मैं ये ब्लू हेवन का आईलाइनर यूज कर रही हूँ, और ये काफ़ी सही लग रहा है मुझे। तो यस लेट्स अप्लाई इट, आईलाइनर निकल गया एंड वाओ काफी सही है, लुक एट दिस। मैं एक बार लगा के देखती हूँ ना ऐसे कैसे पता लगे, काफी सही है, सही है, इजी अप्लाई हो रहा है। मेरे को ना आदत नहीं है ये पेन लाइनर्स वगैरह की, मेरे को आदत है उसकी, वो होता है ना लिक्विड लाइनर, उसकी आदत है मेरे को। सो गाइस आईलाइनर मैंने अप्लाई कर लिया है, एंड मेरे से ना बिल्कुल भी अच्छे से आईलाइनर लगता ही नहीं है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है ये पेन लाइनर्स में। वैसा वाला तो मैं लगा लेती हूँ, तो हाँ थोड़ा बेकार सा लगा है। चलो कोई बात नहीं, अब हम अप्लाई करते हैं काजल। तो काजल के लिए आई एम यूजिंग दिस ब्लू हेवन का काजल, एंड ये काजल मैंने काफी ज्यादा यूज करा है, और पहले यूज करती थी लाइक स्कूल टाइम से आ रहे हैं ब्लू हेवन, तो या तो हम काजल अप्लाई करते हैं जल्दी से। बहुत ज्यादा मुझे लगता है ये काजल ही सही है, लाइनर क्यों लिया मैंने, इसी को यूज कर लेती एज अ लाइनर, क्या जा रहा था मेरा। तो काजल अप्लाई कर लिया है, मैं इसे थोड़ा सा स्मज कर लेती हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा ना, वैसे गले आईज लगेंगी अच्छी सी, मेरे को स्मज वाला काजल ज्यादा अच्छा लगता है, तो थोड़ा थोड़ा स्मज कर लेते हैं अपने हाथों की हेल्प से। नाइस, अब हम लगाएंगे मस्कारा। तो मस्कारा के लिए सेम ब्लू हेवन, क्योंकि मैंने ये कॉम्बो लिया था, मुझे 100 रुपीज में सिंगल कुछ नहीं मिल रहा था, तो मैंने इसलिए कॉम्बो ले लिया, एंड कॉम्बो में ये 100 रुपीज से कम पड़ा है सारा। सो यस मस्कारा में है ब्लू हेवन अप टू 20 आवर्स स्टे 10x वॉल्यूमाइजिंग मस्कारा। तो यस ये वॉल्यूमाइजिंग मस्कारा है, देखते हैं कैसा होगा। देखो ये क्या निकल रहा है, तो पूरा ब्लैक निकल गया ऊपर ही, अच्छी पैकेजिंग नहीं है, बेकार है। चलो लगाती हूँ इसे मैं, हाँ थोड़ा वॉल्यूम तो आ रहा है, आप लोग देख पाओ गाइस थोड़ा वॉल्यूम तो आ रहा है। आप इस वाली आईज को देखो, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा, एंड इस वाली को देखो हल्का हल्का थोड़ा इफेक्ट आ रहा है, तो आई गेस अच्छा है। अच्छे से लगाती हूँ फिर देखती हूँ, दोनों आईज में लगा के फिर दिखाऊंगी आपको डिफरेंस। ओके रियली रियली नाइस, मैं ऊपर लगा दिया लेकिन हाँ अच्छा अच्छा है। अब देखो ये वाली आईज एंड ये वाली आईज, इट्स अ बिग थम्स अप फॉर दिस,
मेरे को लग रहा है काजल भी मेरे को अच्छा लगा और मेरे को आईलाइनर नहीं अच्छा लगा, लेकिन मेरे को मस्कारा बहुत ज्यादा मस्त लगा। सो यस, मस्कारा इज डन गाइस, लुक एट माय मस्कारा। आपको हल्का हल्का दिख रहा होगा, बहुत सही है, मेरे को मस्कारा मस्त लगा है। अब हम अप्लाई करेंगे जो हमारा कंसीलर था जो डार्क कलर में आ गया था, बहुत ज्यादा डार्क में, उसे एज अ कॉन्टोर यूज करेंगे अपने पूरे इसको चिक्स को, और इसको पूरा सेव कर देंगे। मैं यूज कर रही हूँ ये वाली ब्रश, मैं पहले लगाती हूँ हाथों से। यार पता है इतनी छोटू सी क्यूट वाली चीजों को ना मैं खराब करने का मन नहीं करता, पर यार ये तो बहुत लाइट आ रहा है। ओह नो, तो इसे हम ब्लेंड कर लेते हैं, देखते हैं ब्लेंड करने के बाद कैसा लगेगा। सो ब्रॉन्जर डन गाइस, और ये एज अ कंसीलर आप लोग यूज कर सकते हो, क्योंकि जब इसे ऐसे करके अप्लाई करते हैं काफी लाइट आ जाता है। आई थिंक वो एक जगह ऐसे स्टिक है, इस वजह से लग रहा है मेरे को, और ये एज अ कंसीलर ज्यादा वर्क करेगा, बिकॉज यहाँ पे मैंने लगाया, यहाँ पे डार्क होने की जगह लाइट हो गया, लुक एट दिस। सो यस, इसे एज अ कंसीलर यूज करना है, मेरी तरह गलती नहीं करनी है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करती हूँ, मेरे पास ये छोटू सा हाईलाइटर है, एंड इसका है हाईलाइटर इनसाइड मेकअप एसेंशियल हाईलाइटर, और ये काफी क्यूट है। मेरे मतलब कंसीलर और ब्लशर और हाईलाइटर, ये तीनों की पैकेजिंग सेम टाइप की है एंड सुपर क्यूट है तीनों ही, लुक एट दिस। ये थोड़ा जो व्हाइटिस में कलर में हाईलाइटर होते हैं ना वैसा है, मैं इसको स्वेच करके ले लूं। ओह माय गॉड, सो क्यूट। दिखाओ, वाओ, इट्स अमेजिंग। ये क्रीम बेस्ड हाईलाइटर है और मैं इसे आपको लगा के दिखाती हूँ अपनी नोज पे। ओह माय गॉड, इट्स अमेजिंग, रियली नाइस, रियली नाइस। आई कॉर्नर पे नॉट बैड, आईब्रो सही है, मस्त है भाई, सब लोग ले लो। 77 या 99 ऐसे कुछ का है, तो आई गेस अच्छा है। दिस प्रोडक्ट रियली नाइस फॉर मी, आई गेस। जो है ना, मैं सच्ची बताऊँ एक बात, कि अगर आप ट्रैवलिंग वगैरह करते हो बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आपको रखना पसंद नहीं है, और सब कुछ रख के ले जाओ, आप ऐसे छोटू छोटू प्रोडक्ट बाय कर लो। मैं सच्ची कर रही हूँ, सच्ची बोल रही हूँ, ये ना ट्रैवलिंग पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा मस्त है एंड बहुत ज़्यादा अच्छा काम भी कर रहे हैं, लुक एट दिस। सो मेरे लिए थम्स अप है इसके लिए। सो गाइस, मेरे को अभी याद आया, मैंने हाइलाइटर तो पहले ही लगा लिया, उससे पहले हमें करना था बेकिंग। मैंने लूज पाउडर भी मंगाया था, ये वाला, एंड आई थिंक इसी का प्राइस 126 है, जो थोड़ा सा 100 rupees से ज़्यादा है। और ये इनसाइड का लूज पाउडर है, HD फिनिशिंग लूज पाउडर। लेट्स सी कैसा होता है, कैसे निकलेगा ये। ओके नाइस, इसके साथ ये आया है पेपर, एंड ये यहाँ से बंद है, अगर मैं इसे निकाल दूंगी शायद वो ऊपर आने वाला आ जाएगा। बहुत ज़्यादा मुश्किल से निकला है, एंड अभी आधा निकला नहीं है, मैंने ऊपर से निकाल के फिर करा, बहुत सारा फैला भी दिया, मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है खुद पे। मतलब कोई अपने नए मेकअप के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो हम बेकिंग करते हैं, बेकिंग मेरे को ज़्यादा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैंने कंसीलर तो लगाया ही नहीं है, तो फिर भी कर लेते हैं, पाउडर लगा लेते हैं, फिर डस्ट ऑफ कर देंगे एंड हाइलाइटर द्वारा अप्लाई करेंगे। पता नहीं क्या कर दिया मैंने, लुक एट माई फेस, ओह माय गॉड, भूत नहीं लग रही। ओ ये तो मैंने लगा लिया, पहले मैं डस्ट ऑफ करूँ, नहीं तो चुड़ैल लगती रहूंगी मैं। सो मैंने ना पूरा जो पाउडर लगाया था वो डस्ट ऑफ कर दिया है, एंड अब मैं थोड़ा हल्का सा हाईलाइटर लगा लेती हूँ, क्योंकि वो तो हट गया होगा उसके साथ ही, तो थोड़ा थोड़ा रह रहा है आईज के पास में, तो या हाईलाइटर बहुत मस्त है। पाउडर मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा, अच्छा क्या नहीं लगा, मतलब तो वो निकल गया, पैकेजिंग अच्छी नहीं है ये बोल सकते हैं। एंड पाउडर का नाम मैंने ऑलरेडी बताया था क्या, फ्लॉलेस मैट फिनिश HD फिनिशिंग लूज पाउडर इनसाइड कॉस्मेटिक, ठीक है लाइक नाइस। ओके इतना हो गया है, अब हम आते हैं क्या बचा है। आई थिंक लिप्स, लिप्स के लिए मैंने दो चीज मंगाई थी, सेटिंग स्प्रे बचा है एंड लिप्स बचा है, पहले सेटिंग स्प्रे लगा लेते हैं। ओके ये है इनसाइड कॉस्मेटिक का मेकअप फिक्सर स्प्रे, लॉन्ग लास्टिंग मेकअप फिक्सर एंड नॉट स्टिकी एंड रिफ्रेशिंग, लेट्स सी। तो ये ऐसे आया और इसका प्राइस है 171, राइट। ये थोड़ा कॉस्टली है, दो ही चीज थे, एक ये लूज पाउडर, ये क्योंकि ये मेरे को लग रहा है थोड़ी बड़ी पैकेजिंग है लूज पाउडर की, अगर छोटे में होता
थोड़ा कम का आ जाता है, ये 126 का था और ये 171 का था। चलो ये सेंड कर लेते हैं। सो गाइस बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग है लिटरली, एंड लुक एट द प्रोडक्ट। मैंने शायद ज्यादा लगा लिया है तो मैं इसे थोड़ा सा ड्राई करके लाइक आती हूँ एंड उसके बाद हम लिपस्टिक अप्लाई करेंगे एंड देखते हैं फिनिश क्या आएगा। सो गाइस मेरा ना बेस एकदम नेचुरल लग रहा है, लुक एट दिस। मेरे को ऐसा लग रहा है काफी सही है, 100 रुपए के प्रोडक्ट से काफी सही लुक आ गया है, मेरे को पर्सनली ऐसा लग रहा है। चलो लिपस्टिक भी लगा लेते हैं क्योंकि उससे ना थोड़े लिप्स अच्छे से लगेंगे। तो ये है ना लिप्स है मिस क्लेयर का वाटर प्रूफ लिपस्टिक, इसमें लिप ग्लॉस भी है एंड लिपस्टिक भी है और ये शायद 75 कुछ रुपीस की थी तो मेरे को तो सही लग रही है। 2-in-1 है एंड स्मेल गंदी है बहुत गंदी, तो ये लगाती हूँ मैं, लगा के देखते हैं। मैंने भी रेड नहीं मंगाई थी, मैंने कुछ और मंगाया था। हाँ मैंने लाल तो मंगाई थी, मैंने कुछ और मंगाया था गाइस, कुछ और भेज दिया कुत्तों ने। सो लिपस्टिक मैंने अप्लाई कर लिया और इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा गंदा है, बहुत ज्यादा टाइट है एंड लिप्स भी बहुत ज्यादा टाइट हो गए हैं। वैसे मैट की है, मैट फॉर्म है तो आपके लिप्स ना काफी ठीक लगते हैं एंड रेड कलर तो मुझे पसंद ही नहीं है, मेरे को ना थोड़ा लाइक न्यू टाइप के कलर ज्यादा पसंद है। तो आप लोगों ने देखा होगा मैं मोस्टली न्यू टाइप ही लगाती हूँ एंड लेट्स सी लिप ग्लॉस भी लगा के देख ही लेते हैं कैसा है इसका। सेम स्मेल पहले से बेटर है बट ठीक है। लिप ग्लॉस भी लगा लिया एंड लुक एट माय लिप्स, जूसी लिप्स लग रहे हैं एकदम। मेरे को ना ऐसे लिप ग्लॉस वाले नहीं पसंद, मेरे को मैट फॉर्म ही पसंद है बट स्टिल मैंने सोचा कि पूरा यूज करते हैं। सो गाइस ये ना फाइनल लुक है पूरे इस मेकअप से एंड इट्स रियली नाइस, बट मेरे को अपने लिप्स बहुत ज्यादा गंदे लग रहे हैं, डायन वाले लग रहे हैं। तो लाल रेड लिपस्टिक की मुझे आदत नहीं है, तो पता नहीं मेरे लोग कैसे लगा लेते हैं, वो उनकी चॉइस होती है बट आई हेट रेड लिपस्टिक, तो मैं इसे थोड़ा निकाल देती हूँ, बहुत ज्यादा हार्ड है जी। सो गाइस दिस इज माय फाइनल लुक। आप मैंने ना अपनी जो लिपस्टिक थी रेड वाली वो तो निकल नहीं रही थी, उसके ऊपर थोड़ी है ना ब्राउन टाइप की लिपस्टिक लगा ली तो ये थोड़ा ऐसा कलर हुआ है, बहुत मुश्किल से हुआ है एंड लिप ग्लॉस को मैंने हटा दिया, पड़ी मेरे को नहीं पसंद वो जूसी टाइप, जो लड़कियां बोलती है ना काफी जूसी टाइप लिप्स हो जाते हैं वो मेरे को नहीं पसंद, मेरे को ये मैट वाली ही पसंद है एंड दिस इज माय लुक एंड आई थिंक इट्स रियली नाइस। 100 रुपए के प्रोडक्ट में आपका इतना अच्छा पार्टी टाइप लुक क्रिएट हो गया है एंड आप तो कहीं भी जा सकते हो, अच्छे अच्छे इयररिंग्स पहन लो, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लो एंड यू आर गुड टू गो। तो मुझे लगता है काफी सही मेकअप हुआ है, सिर्फ 100 रुपए के प्रोडक्ट है सारे एंड आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतने सारे प्रोडक्ट सिर्फ 100 रुपए में आप लोगों को मिल रहे हैं एंड या इट्स अमेजिंग, आई लव इट। एंड मैं अपने फेवरेट बता दूं, मेरा फेवरेट ना मेरे को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि फाउंडेशन अच्छा निकलेगा एंड फाउंडेशन रियली वर्क लाइक अ फिटमी का फाउंडेशन, कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है इसकी, फ्रेग्रेंस मेरे को बहुत सही लगी है, एकदम पुराने मेकअप वाली याद दिलाता है, काफी अच्छी है एंड मेरे को तो काफी अच्छा लगा ये वाला फाउंडेशन। आप लोग ट्राई कर सकते हो, अगर आप मेरे स्किन टोन के हो तो मैं यहाँ पे स्क्रीन वगैरह पे डाल दूंगी ये कौन सा वाला है तो आप लोगों को पता लग जाएगा एंड रियली वर्क। सो नेक्स्ट माय फेवरेट इज प्राइमर, क्यों बहुत छोटा सा क्यूट सा है, लाइक लुक एट दिस यार कितना क्यूट है, प्यार हो जाएगा। हाइलाइटर एंड ब्लशर, ब्लशर कहाँ गया मेरा, यही कहीं होगा ब्लश भी, हाइलाइटर एंड ब्लश, ये 3-4 प्रोडक्ट लाइक मेरे को इतने ज्यादा पसंद आए, बहुत ज्यादा। एंड मेरे को सबसे बेकार जो लगा है वो है आईलाइनर, इतना बेकार उसका जो निब था ना लाइक वो अच्छे से हो ही नहीं पा रहा था, लाइनर चल ही नहीं पा रहा था, तो मेरे को आईलाइनर नहीं पसंद आया एंड ये मिस क्लेयर की लिपस्टिक बिल्कुल नहीं पसंद आई। तो लिपस्टिक में बहुत अजीब सी फ्रेग्रेंस एंड फ्रेग्रेंस नहीं अजीब सी स्मेल आ रही है, वो मेरे को नहीं अच्छी लगी। एंड जिसको लिप ग्लॉस पसंद है, लिप ग्लॉस और लिपस्टिक टाइप पसंद है, रेड लिप्स पसंद है, उनके लिए बहुत अच्छी होगी क्योंकि एकदम मैट कर देती है एंड इसके बाद जब लिप ग्लॉस लगाते हैं एकदम जूसी लिप्स, जैसे लड़की वो सारे आप लोग रील अगर एक्सप्लोर करते हो ना काफी जूसी टाइप के लिप्स उन लोगों को अच्छे लगते हैं,
तो मेरे को पर्सनली नहीं पसंद, तो इसलिए आई डोंट लाइक इट। सो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो एंड मेरे को आप लोगों से कहना, अगर आपको इस टाइप की मेकअप वीडियो पसंद है तो आप लोग मुझे बता सकते हो अपना टॉपिक वो कमेंट करके, आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू गाइस। एंड इसके अलावा अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो देखी प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। एंड गाइज आप लोग मेरे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी मुझे कनेक्ट कर सकते हो, मैं वहाँ पे बहुत अमेजिंग सा कंटेंट डालती रहती हूँ, आप लोगों को बहुत मस्त लगेगा। उसकी आईडी बहुत ज़्यादा सिंपल है, शीतल सिंह _16 फेसबुक पर भी एंड इंस्टाग्राम पर भी, तो आप लोग जाके मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो अगर आपको मेकअप रिलेटेड कॉन्टेंट पसंद है तो प्लीज़ चेकआउट करिए ये वाली जो प्ले लिस्ट है इसको। एंड अगर आप लोग चाहते हो मेरी ब्राइडल सीरीज देखना तो आप ये वाली प्ले लिस्ट भी चेकआउट कर सकते हो। इसमें मैंने ना जो ब्राइड्स मेकअप करते हैं उस टाइप का मेकअप एंड जो स्किन केयर वगैरह है वो सब कुछ डाला है, आप लोगों को पक्का पसंद आएगा, प्लीज़ चेकआउट जरूर करिएगा। एंड थैंक यू, बाय, टेक केयर।